अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर मानवता की तस्वीर देखने को मिली है। यहां प्रसव पीड़ा में तड़पती एक गर्भवती को बस स्टैंड इंचार्ज ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा सरकार भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की दुरुस्तगी की बात करे, जननी योजना के जरिए मां और बच्चे की महफूजगी के दावे करे, लेकिन अम्बाला की इन तस्वीरों ने इन सारे दावों पर पानी फेर दिया है। छावनी बस स्टैंड के पास एक गर्भवती महिला लेबर पेन से करीब आधे घंटे तक तड़पती रही। परिजनों के अस्पताल कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। गर्भवती की परेशानी बढ़ती जा रही थी और खबर बस स्टैंड इंचार्ज को दी गई, तो उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए खुद की गाड़ी से गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया। और मैं जब यहाँ इधर आया तो मेरे को एक लेडीज थी, घूम रही थी, उसको बड़ी पेन हो रही थी और उसको बड़ी दिक्कत थी कि उसको डिलीवरी की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ एम्बुलेंस को किसी ने फ़ोन किया तो अभी तक वो एम्बुलेंस नहीं पहुँची है। और तुरंत मैंने प्राइवेट गाड़ी अपने स्टाफ की गाड़ी को उठाया और उसमें बिठा कर उसको हॉस्पिटल भेज दिया है, क्योंकि उसको बड़ी पेन हो रही थी। उसके दो तीन बंदे साथ में मैंने भेज दिए हैं। हाँ, मुझे अभी पता लगा गायनेकोलॉजिकल वार्ड से। डॉक्टर चित्रा ने बताया कि एक घुमंतु जाति की लेडी रितु, जिसका नाम है और प्राइमी है, वो प्रथम बार उसको प्रेगनेंसी है, फुल टर्म है, लेबर पेन में है, उसको बस स्टैंड के पास सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। उसके लिए अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करा दी गई और पेशेंट जो है अभी लेबर रूम के अंदर है और अभी ठीक है, स्टेबल है। एम्बुलेंस कई बार, वैसे तो एम्बुलेंस सिस्टम है 108 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है, लेकिन कई बार एम्बुलेंस इधर उधर भी होती हैं, इस वजह से कई बार देरी होती है, ऑन रूट होती है, इस वजह से देरी। उधर पीएमओ के इन अधिकारी महोदय ने एम्बुलेंस के किसी दूसरी जगह जाने का बहाना बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, यानी एक बार फिर से सिर्फ भरोसे मात्र में परिवार एम्बुलेंस का रास्ता तकता गया और गर्भवती दर्द में घुलती गई। अवन कपूर, जी मीडिया, अम्बाला।